आगे चल लेते हैं। आगे क्या, मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक आ गया, सूफिज्म। देखो सूफिज्म क्या है, सूफिज्म जो है अपीलिंग टॉपिक है बहुत ज्यादा। एक तो क्या है, इसका जो अंदाज़े बयां है ना वो उर्दू और फारसी लैंग्वेज में है, जो कि दिल को भा जाता है। जैसे मोहब्बत का रस कानों में, मोहब्बत का रस कानों में घोलते हैं, ये उर्दू जुबान है जो हम बोल लेते हैं। फले फूले कैसे ये गूंगी मोहब्बत, न वो बोलते हैं न हम बोलते हैं। सरफ उनसे हो अब मुलाकात कैसे, वो दिन में भी दरवाजा कम खोलते हैं। तो मतलब किस तरह से है ना, द ब्यूटी ऑफ दिस लैंग्वेज इज वेरी सेक्रोसेंट। सो दिस वे मेक्स दिस कॉन्सेप्ट वेरी 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 एडोरिंग। अच्छा, इसकी टीचिंग और बुद्धिज्म की टीचिंग, भक्ति मूवमेंट की टीचिंग बहुत ज्यादा सिमिलर मिलेंगी आपको, और वेदांता फिलोसफी से भी। तो रूमी का कॉन्सेप्ट ये था, डू नॉट फील लोनली, द एंटायर यूनिवर्स इज इनसाइड यू, है ना, सारा यूनिवर्स आपके अंदर ही है। सेम चीज को गुरु नानक देव जी क्या बोलते थे, गुरु नानक देव जी क्या बोलते थे, उनका वर्स मैं भूल गया, लेट मी रिमाइंड। हाँ, बाहर भीतर एको जानो यह गुरु ज्ञान बताई रे, बाहर भीतर एको जानो यह गुरु ज्ञान बताइए, जन नानक कर आपा चीनो, कटे न भ्रम की काई रे। मतलब बाहर और भीतर हमारे अंदर एक ही ट्रुथ है, और जान गया नानक। और जब तक अंदर झांकने के बिना आप जानोगे नहीं ना, मेडिटेट करोगे और जानोगे नहीं, तब तक भ्रम की काई उतरेगी नहीं। तो जन नानक, जान गया ना नानक। रूमी भी यही बोलता था, डू नॉट फील लोनली, द एंटायर यूनिवर्स इज विद इन यू। बुद्धा ने डेफिनेशन दी थी कि बुद्धा कौन है, तो एक चीज बोली थी, सुगतो लोक विदु। लोक विदु का मतलब जिसने सारे लोकों को जान लिया, है ना, सारे एंटायर यूनिवर्स को। देखो जो भी फिलॉसफी है ना, उसको उसी के वर्ड्स में पढ़ते हैं ना, तभी वो समझ में आती है। तो सारे लोगों को कौन जान गया, जो अपने आप को जान गया। हमारे अंदर सारे लोग समाये हुए हैं, बाहर भीतर एको जानो, तो बाहर भी वही सब हो रहा है जो अंदर हो रहा है। तो सेम वे थिंग्स आर हैपनिंग, मतलब सब कुछ जान गया। तभी स्वामी विवेकानंद ने बोला था, ऑल द नॉलेज इज विद इन यू, एवरीथिंग इज हैपनिंग आउटसाइड इज हैपनिंग इनसाइड। सेम मैकेनिज्म नेचर का सभी हो रहा है। तो हमारे शरीर के अंदर ही स्वर्ग है और यही नरक है, और यही मुक्ति मोक्ष निर्वाण है। चलो ठीक है, तो ये भी सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सूफिज्म है तो ये क्या कर रहे हैं, समा बांध रहे हैं। थोड़ा सा इस्लाम को पढ़ लेते हैं सूफिज्म को समझने के लिए। अरेबियन पेनिनसुला में 7 सेंचुरी AD के अंदर इस्लाम का उदय होता है। इसको प्रीच किया था प्रॉफिट मोहम्मद ने, उनको गॉड का रिवेलेशन हुआ था। ठीक है, अच्छा, इस्लाम का मतलब क्या है, सबमिशन टू गॉड। ठीक, बोथ क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स है ना, इब्राहिम को अपना कॉमन एंसेस्टर मानते हैं, है ना, याद रखना। तो इसीलिए इन रिलीजन को इब्राहिमिक रिलीजन्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि रूट कॉज इन रिलीजन्स का है इब्राहिम, है ना, तो इब्राहिमिक रिलीजन हो गए। बोलते रहते हैं ना इब्राहिमिक रिलीजन, इंडियन रिलीजन्स, तो इब्राहिमिक इसलिए बोलते हैं। बहुत बढ़िया, तो इस्लाम हो गया, प्रॉफिट मोहम्मद को देख लिया। अब इस्लाम की टीचिंग क्या है, देखो कुरान जो है वर्ड्स ऑफ गॉड है। मतलब प्रॉफिट मोहम्मद बताते थे कि उनके सपनों में भगवान आते थे और अपनी टीचिंग सुनाते थे, तो उनको एक कंपाइल कर दिया बुक के अंदर, जिस बुक को बोला गया था कुरान। बहुत बढ़िया, फिर आई हदीस। हदीस किसको बोलते हैं, तो आजकल न्यूज में बहुत चलती रहती है तो समझ लेना चाहिए। देखो प्रॉफिट मोहम्मद जिस तरह से अपनी लाइफ को जीते थे ना, उठना बैठना खाना पीना, एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे उन्होंने लाइफ को जिया, तो उनके ट्रेडिशन के वे में, तो उसको लाइफ को कंपाइल किया गया कि उस तरह से सबको अपनी लाइफ को जीना चाहिए, तो उसको हदीस बोला गया। उस टाइम पे बनी सो बनी, इस टाइम पे हदीस के 3-4 हज़ार वर्जन है दुनिया भर के, सबने अपने हिसाब से हदीस बना ली। बहुत बढ़िया, अब है सुन्नत। सुन्नत क्या है, अपना कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए। इन तीनों टेक्स्ट को मिला के बोला जाता है शरीयत। बहुत बढ़िया, अच्छा टेक्स्ट है, अच्छी बातें बताई गई थी, करनी चाहिए।
ये टीचिंग्स थी इस्लाम की, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या देखते हैं, बेसिक टर्म्स इस्लाम में। नमाज किसको बोलते हैं? प्रेयर करना। एक मुसलमान, सच्चा मुसलमान, उसको दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, एंड ही सबमिट्स हिज विल टू गॉड और अल्लाह। जुमा की नमाज सबसे इंपॉर्टेंट नमाज होती है, फ्राइडे की दोपहर वाली प्रेयर। और एक मुसलमान को अपने जीवन में हज करना चाहिए, होली पिलग्रिमेज, बर्थ प्ले, वहां पे मक्का के अंदर जाते हैं ना वहां पे। चलो ठीक है, अब देखो एडवेंट ऑफ सूफिज्म कैसे हुआ। यहां पर आपको क्या है, गॉड की विल को सबमिट करना होगा अपने आप को, और एक तरह से थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्सी कल्चर बनने लग गया था। सूफिज्म आया उसके बाद में। क्या था सूफिज्म आने से पहले, सूफी का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। सूफी का मतलब होता है क्लीनिंग, प्योरिफिकेशन, मतलब सफाई, और इट रिप्रेजेंट्स मिस्टिसिज्म इन इस्लाम। मिस्टिसिज्म का मतलब क्या होता है, देखो, द एक्सपीरियंस ऑफ मिस्टिकल यूनियन और डायरेक्ट कम्युनियन विद अल्टीमेट रियलिटी रिपोर्टेड बाय मिस्टिक्स। मिस्टिक्स क्या बोलते हैं कि देखो, हमें गॉड से कनेक्शन के लिए किन्हीं टेक्स्ट की, किसी क्लर्जीज की, मौलवीज की किसी की जरूरत नहीं है। भाई ईश्वर है और मैं हूँ, हमारे बीच में डायरेक्ट हॉटलाइन कनेक्शन है, तो है ना। तो इस टाइप के लोग मिस्टिक कहलाते हैं। तो मिस्टिक लोग इस्लाम में पैदा हुए, वो सूफी थे। अब देखो इस्लाम का बेसिस किस पे, ऑर्थोडॉक्स इस्लाम का, कि आपको गॉड को सबमिट करना पड़ेगा और गॉड अलग है, आप अलग हो। ये बोले नहीं, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है गॉड से और गॉड से हम तो मिल जाते हैं। तो इट रोज एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ग्रोइंग मटीरियलिस्टिक टेंडेंसीज इन द इस्लामिक वर्ल्ड, है ना। बोले कि मौलवी की जरूरत क्या है, है ना, क्लर्जीज की जरूरत क्या है, हम डायरेक्ट अपने गॉड से कम्युनिकेट कर लेंगे। तो मिस्टिसिज्म आया, तो मटीरियलिस्टिक टेंडेंसीज के अगेंस्ट में ये सूफी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एक तरह से धर्म सुधार आंदोलन था। बहुत बढ़िया, आगे अब देखो, एक स्पिरिचुअल लीडर का आपको कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, किसी से भी लिंक कर लेना, है ना, किसी से भी लिंक कर लेना, एथिक्स में भी काम आएगा, भक्ति मूवमेंट में भी। दे लीड्स अदर इनटू देयर ओन एनकाउंटर्स विद गॉड, मतलब आपने गॉड को कैसे रियलाइज किया वो समझाते हैं। अगला, दे लीड अदर्स टू डिस्कवर देयर ओन पर्पस एंड आइडेंटिटी, सेल्फ रिविलेशन के लिए। आपको मतलब आपको फॉलोवर नहीं बनाएंगे वो, आपको डिस्कवरर बनाएंगे वो, है ना, आपकी स्पिरिचुअल क्वेस्ट आप खुद ढूंढ पाओ। दे लीड टू अदर्स इन टू ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट जस्ट प्रोडक्शन। ये जो ऑर्थोडॉक्सी लोग होते हैं ना, वो केवल प्रोड्यूस करवाते हैं, रटवा दिया, है ना, वो सब, वो ट्रांसफॉर्म करते हैं आपको। अच्छा टीचर क्या करेगा, आपकी कॉन्सेप्ट्स को चेंज करेगा, आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। आप पहले इस लेवल पे थे, अब आपको इस लेवल पे लेके आएंगे, फिर और ऊपर लेके आएंगे। तो दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। दे इम्पैक्ट देयर एटमोसफेयर, भाई साहब जो सच्चे सूफी संत होते थे ना, वो जहाँ पे बैठते थे ना, वहाँ पे शांति छा जाती थी। दे हेल्प पीपल सी ओल्ड थिंग्स इन न्यू वेज, जैसा देश वैसा वेश, समय की मांग होती है ना, उस तरह से। तो ये स्पिरिचुअल लीडर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिलोसफिकल साइड समझते हैं। सूफिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, रियलाइज व्हाट इज नोन एज यूनिटी ऑफ बीइंग, वहादत उल वजूद। वहादत उल वजूद का मतलब आपका वजूद क्या है, आप गॉड के साथ यूनाइट हो गए। इट इज अ स्टेट ऑफ कम्युनियन विद गॉड इन विच वंस ओन आइडेंटिटी इज कम्प्लीटली लॉस्ट एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिएटर एंड क्रिएशन इज कम्प्लीटली एनिहिलेटेड। मतलब आप समाधि को प्राप्त हो गए, जो योगा में बताया गया था। तो मतलब क्रिएटर और क्रिएशन में डिफरेंस ही नहीं, तो आपका डायरेक्ट कम्युनियन हो गया ना। तो इस स्टेट को बोलते थे फना, है ना, तेरे दिल में मेरी सांसों को पना मिल जाए और तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। मूवी चली थी ना, बस। तो ये फना वर्ड का मतलब यही था, अब मैं कुछ नहीं हूं। इस चीज को एक सूफी सेंट क्या बोलते थे, उनका नाम था जहीन शाह ताजी, वो जयपुर के रहने वाले थे, उनका रेस्टिंग प्लेस कराची में है। छोटा सा सुनना, अच्छा लगेगा, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। क्या, आपको पाता नहीं जब आपको पाता हूं मैं, उसको उसका स्पिरिचुअल रियलाइजेशन था और वो उसको समझ पाया। उसने कैसे समझाया, आपको पाता नहीं जब आपको पाता हूं मैं, या तो खो जाता हूं या फिर खो दिया जाता हूं मैं। आपको पाता नहीं जब आपको पाता हूं मैं, या तो खो जाता हूं या फिर खो दिया जाता हूं मैं। है अनल हक हक मगर, अनल हक अभी समझाऊंगा, अनल हक का मतलब होता है अहम ब्रह्मास्मि,
मतलब मैं भी वही हूं वो भी मैं ही हूं, है अनल हक हक मगर कहनी न थी, यार की महफिल से बाहर यार के महफिल की बात। आईना बनकर मुकाबिल उसके जब आता हूं मैं, आईना बनकर मुकाबिल उसके जब आता हूं मैं, अपनी सूरत देखता हूं और इतराता हूं मैं, मतलब मैं भी वही हूं वो भी मैं ही हूं। तो ये हो गई फना वाली स्टेट। तो अल्टीमेटली वहादत उल वजूद का अटेनमेंट हो गया, यही रियलाइजेशन है। लेकिन ऑर्थोडॉक्स इस्लाम के अंदर इस चीज को अनुमति नहीं है, बोले आप गॉड के साथ कभी यूनाइट हो ही नहीं सकते, गॉड तो सुप्रीम है, आपको हमेशा उसके सामने ही वो करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने गॉड और उसके क्रिएशन में कोई डिफरेंस ही नहीं बताया, बोले सब एक ही है, वेदांता फिलोसफी। अब आप फना वाली स्टेट को अटेन कैसे करोगे? जैसे इंडियन फिलोसफीज के अंदर रास्ता बताया गया था ना, वैसे यहां भी रास्ता बताया गया है, थ्रू इनर रियलाइजेशन ऑफ गॉड एंड डेवलप इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड क्या होती है? मतलब इंट्यूशन से समझो, एक्सपीरियंस से समझो। तो ये चीज आई, द स्टेट इज रियलाइज थ्रू सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, धीरे 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 अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मेंटर, जिसको बोला गया था पीर या फिर मुर्शिद। ये मेरा पीर है, ये मेरा मुर्शिद है। जुगनी जी वाला गाना सुना ना, ए अली मला मुर्शिद जी। वो मुर्शिद क्या करता है? अपने डिसाइपल्स को गाइड करता है, जिनको बोलेंगे हम मुरीद। तो एक तरीके से मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट होता जा रहा है यहाँ पे भी, जैसे बुद्धा ने मोनेस्ट्री बनाई थी, मुरीद हो गए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। मतलब यहाँ पर गुरु का इंपॉर्टेंस दिया गया। तो धन बड़ी धन भाग हमारे, जो गुरु हमारे यहाँ पधारे, तो गुरु जी का इंपॉर्टेंस यहाँ पे एक्नॉलेज किया गया। कैसे फना करना है? तो एक स्टेप बाय स्टेप आप डेवलप करोगे। आपको आईएएस बनना है तो भाई गुरु की तो जरूरत है ही, तो इनके यहाँ पे भी आपको एनलाइटनमेंट प्राप्त करना है तो वो भी जरूरत है। अल्टीमेट रियलिटी को बोला गया था हक। यूनिटी जब हमने अटेन कर ली ना, वहादत उल वजूद पा लिया, तो वो ही है अल्टीमेट रियलिटी, वो है हक। तो अनल हक का नारा दिया गया, आम द ट्रुथ, है ना। ये अल हलाज थे, ये अरेबिया में सूफी सेंट थे, तो खलीफा ने ना इनको सूली पे चढ़ा दिया था। पहले सूफी सेंट थे जिन्होंने अनल हक का नारा दिया था कि मैं गॉड के साथ में कम्यून हो गया था, है ना। और इनके मरने के बाद में सूली पे जब इनको चढ़ा दिया था ना, तो इनके मरने के भी बाद में, सर कटने के बाद में भी इनका सर बोला था कि अनल हक, है ना, आम द ट्रुथ, आम द गॉड। तो लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे, तो फिर इनकी भी फॉलोइंग बढ़ गई थी। और टायरनी तो चली गई थी, खलीफत ने बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे वहां पे, है ना। तो ये सूफिज्म निकला अनल हक। आगे देखते हैं किस टाइप की प्रैक्टिस करते थे ये सूफी सेंट थे। रिसाइटेशन ऑफ गॉड्स इन द नेम ऑफ गॉड, जैसे ओम का जाप करते रहते हैं ना, वैसे ही मोला 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 मेडिटेट करने के लिए। कंटेम्पलेशन और मेडिटेशन, त्याग तपस्या करते थे, मेडिटेशन करते थे, सेल्फ टॉर्चर करते थे, पेनेंस करते थे कुछ डिग्री तक, जैनी करते हैं ना। मोर्टिफिकेशन, वैराग्य की भावना थी, घर बार छोड़कर अल्लाह के रास्ते पे निकल गए। योगिक प्रैक्टिसेस करते थे, है ना, पोस्चर वगैरह, सिंपल लाइफ जीते थे, फकीरी बोलते थे उसको। एंड सर्विस टू द पुअर एंड नीडी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे ना, गरीबों के साथ ही रहते थे। जैसे इंसान की तरक्की की 6 मुअज्जिल होती हैं, ये तो होती हैं वर्ल्डली टाइप की, 3 तो इसमें, और ऊपर की 3 होती हैं जो अल्टीमेट रियलिटी की तरफ जाते हैं। धीरे धीरे तो इवॉल्व करेंगे अपन। तो कबीरदास जी इनके लिए क्या बोलते हैं, हद हद टपे सो ओलिया और अनहद टपे सो पीर। हद हद टपे सो ओलिया और अनहद टपे सो पीर, हद अनहद दोनों टपे वाको नाम फकीर। मतलब हद हद टपे सो ओलिया, जो बाउंड्री में रहके चलता है उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वो ओलिया है, और बाउंड्री के बियॉन्ड होके चलता है अनहद टपे सो पीर, वो पीर है। और हद और अनहद और बाउंड्री और बियॉन्ड बाउंड्री के भी जो पहुंच गया वो हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी की लाइन में हाईएस्ट स्टेज है जिसको फकीर बोला जाता है। तो फकीर का दर्जा सबसे ऊपर होता है ना, फकीर बन गया। आगे बढ़ते हैं, सूफिज्म के अंदर दो ट्रेंड आए, बाशरा और बेशरा। जिन्होंने ओल्ड इस्लामिक लॉज को फॉलो किया वो बाशरा थे, बेशरा क्या थे, जो ज्यादा लिबरल थे, है ना। देखते हैं, बेशरा पढ़ लेते हैं पहले। बेशरा ने बोला था कि शरीयत का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है गॉड के रियलाइजेशन में। तो वो क्या थे, वॉन्ड्रिंग लाइफ जीते थे, जैसे अपने मॉन्क्स वगैरह घूमते रहते थे ना, तो
तो वहां के मॉन्क्स थे उनको क्या बोलते थे, कलंदर या फिर मलंग या फिर हैदरीज। तो ये मलंग मूवी आई थी, जान ले रहा मेरा नशा है, लेकिन एक कलंदर क्या बोलता है, मेडिटेशन करना मेरा मजा है। तो इनके कोई मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट नहीं होते थे, इनको बोलते थे बाबा। बहुत बढ़िया। बाशरा क्या बोलते थे, बाशरा ने बोला था कि शरीयत ठीक है, अपनी जगह सही है, लेकिन इसको अपनी प्रैक्टिस का असेंशियल पार्ट नहीं माना, है ना, बहुत ज्यादा नहीं कि, है ना। देखो इस्लाम के अंदर जो बिल्कुल जो टिपिकल इस्लाम है ना, उसके अंदर तो शरीयत के बाहर कुछ है ही नहीं, लेकिन ये इनके बाहर थे सब। बाशरा ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन इसको असेंशियल भी नहीं माना। और इन्होंने अपने मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट किए थे, मठ बनाए थे जिनको बोलते थे खानका, और अपने डिसाइपल्स के साथ में ये गुरु रहते थे, फिर सिलसिले चलते थे बेस्ड ऑन पीरी एंड मुरीदी। पीरी कैसे, गुरु शिष्य, तो गुरु शिष्य परंपरा। तो सिलसिला सिस्टम क्या था, एक तरह से गुरुकुल सिस्टम हो गया, जैसे इंडिया में था। देखो मैं बता रहा हूँ, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट सेम ही मिलेंगे, चाहे रोजे कर लो चाहे नवरात्रे के व्रत रख लो, एट द एंड ऑफ द डे है व्रत का ही कॉन्सेप्ट, बोलते अलग है बस, और उसको लेके लड़ते जाते हैं। अल्टीमेट सेंस क्या है वो नहीं पकड़ते सब लोग, तो क्या बर्बाद हो रही है दुनिया। डिफरेंट ऑर्डर्स मेंटेन्ड कॉर्डियल रिलेशन अमंग देमसेल्व्स एंड जनरली दे डिवाइडेड स्पिरिचुअल टेरिटरीज, जिसको बोलते थे विलायत या फिर दायरा। मान लो औलिया पीर और फकीर, जैसे निजामुद्दीन औलिया या पीर साईं की दरगाह पे, और फकीर तो देखो हद 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 में रह के चलना है, तो औलिया के पास सीखेंगे तो उसका दायरा हो गया, फिर पीर का अलग दायरा, फिर फकीर का अलग दायरा। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के हिसाब से इनकी टेरिटरी बटी हुई थी, अपने तो आएंगे नहीं समझ में, जो इस टाइप के लोग होते ना उनको बड़ी समझ आती थी, ये भी स्पिरिचुअल मेंटोर ढूंढते थे। अगला कुछ एक टर्म्स देख लेते हैं सूफिज्म से रिलेटेड। मजार या फिर रौजा किसको बोलते हैं, टॉम्ब बोलते हैं, दरगाह जो होती है ना उसको मजार या फिर रौजा बोलते हैं। ये है एक हफ्ते समा, म्यूजिकल रिसाइटल होता था, ये सारे कवाली करते थे, पॉपुलर फॉर्म ऑफ कवाली। तो बोलते हैं समा बांध दिया, बोलते ना यार तूने क्या गाना गाया, तूने तो समा बांध दिया, तो यही था वो। फिर समा के बाद में एक स्टेट ऑफ एक्सटेसी आती थी, जिसमें मोमेंट्री लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब आदमी अपनी सुध बुध खो देता था, इसको बोलते थे हला। और रक्स क्या होता था, सूफी डांस, जो सबसे पहले फोटो दिखाई थी ना वो। ये तीनों टर्म एक फोटो से आपको खटाखट समझ में आ जाएंगी, फिल्मों का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जोधा अकबर मूवी देखी होगी, बस उसके अंदर ये रक्स कर रहे हैं, सूफी डांस कर रहे हैं, तो उसके बाद में सब घूमने लग गए, तो इन्होंने समा बांध दिया। इसके बाद में जलालुद्दीन अकबर आता है, ऋतिक रोशन, बस, और इसको प्रकाश दिखता है, और बस ये मोमेंट्री लॉस, लॉस्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, एक्सटेसी, तो हला हो गया इनका, है ना। जब छोटा था ना मैं, तो मेरे को ये समझ नहीं आता था, मतलब शुरुआत में देखा मुझे लगा ये गमले लगा रखे हैं, कैसे गमले कैसे लगा सकते हैं ये, बाद में मुझे पता चला इनकी टोपी इस तरह की होती थी, है ना। तो इनका वे ऑफ लिविंग ऐसा ही था, इस तरह के कपड़े पहनते थे, टोपी लेकिन थोड़ी अजीब लगती थी, गमले बोलता था पहले मैं इनको, ठीक है। समा बांध दिया, हला हो गया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया के अंदर सूफिज्म कैसे आया। सबसे पहले तो सूफिज्म का मेंशन है राबिया और मंसूर अल हलज, 8th एंड 9th सेंचुरी में पर्शिया के अंदर। अल हलज की फोटो मैंने दिखाई थी ना, जिनको ये पहले सूफी सेंट थे, जिनको कि मौत की सजा दे दी गई थी, सूली पे चढ़ा दिया था खलीफा ने। इंडिया के अंदर सूफिज्म कब आया, भक्ति मूवमेंट के टाइम पे। भक्ति मूवमेंट में और सूफिज्म में दोनों एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल्ड है, डिफरेंट नहीं किया जा सकता। अलवर सेंट जो थे, अलवर सेंट्स बिकेम इन साउथ इंडिया, है ना, अलवर थे, और वो सूफी मूवमेंट के साथ में ही था। सूफिज्म केम इन इंडिया एट द टाइम ऑफ टुर्किस इन्वेजन। तो बहराइच में अंदर के अंदर एक टॉम्ब है, जिसमें गाजी की मजार है, उनका सरनेम गाजी है, वो बड़े इंपॉर्टेंट सूफी सेंट थे, सबसे पहले आए थे, उनका नाम याद नहीं है अभी, हाँ सलसार मसूद गाजी लिख दिया ना मैंने, हाँ ये इंपॉर्टेंट था, मिस हो जाता तो मिस ही हो जाता। तो ये सबसे पहले सूफी सेंट आए थे इंडिया में, बहराइच में इनकी मजार है, तो सलार मसूद गाजी। आगे बढ़ते हैं अपन, राबिया ऑफ बसरा, इसलिए मैंने लिखा है कि एक तो विमेन एम्पावरमेंट की बात हो गई, विमेन अगर चाहे ना तो स्पिरिचुअलिटी के ऊंचे से ऊंचे मुकाम को हासिल कर सकती है। तो ये क्या बोलती है, ओ लॉर्ड आई इफ आई वर्शिप यू बिकॉज ऑफ फियर ऑफ हेल, अगर मैं नर्क का डर लगता है मुझे, देन बर्न मी इन हेल। तो निष्काम कर्म की बात कर रही है ना ये, सेल्फलेस लव। इफ आई वर्शिप यू बिकॉज आई डिजायर पैराडाइज, देन एक्सक्लूड मी फ्रॉम पैराडाइज, तुम मुझे स्वर्ग में बिल्कुल मत भेजना। इफ आई वर्शिप यू फॉर योर सेल्फ अलोन, देन डिनाई मी,
नॉट योर इटर्नल ब्यूटी, मैं आपको केवल आपके लिए वर्शिप कर रही हूँ, तो मुझे डिनाई कर देना कि मैं आपको कभी देख ही ना पाऊँ। ऑर्थोडॉक्स इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ थी ये चीज़ें, है ना, तो इनको पसंद आती थी। तो एक क्लासिक एग्जाम्पल है निष्काम कर्म का, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अच्छा काम करना है। और एक लालच कैसे खत्म कर सकते हैं, है ना, हमें कई बार लाइफ में कुछ नहीं मिलता फिर भी रोते रहते हैं, अच्छी पोस्टिंग नहीं मिली वो रोते रहते हैं। तो राबिया जो थी बसरा की, उनकी लाइफ से कितना बड़ा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, है ना। वेदांता फिलोसफी, निष्काम कर्म, गीता में भी यही बातें लिखी हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कंपेरेटिव रिलीजन पढ़ सकते हैं अपन। आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे, अलग अलग ऑर्डर सूफिज्म के। अब ये क्या आप थोड़े से पढ़ दो, पहले था चिश्ती सिलसिला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्तियों ने इसको फाउंड किया था 1143 से 1223 तक इनकी लाइफ टाइम थी। इन्होंने अजमेर में अपना खानका बनाया था, अजमेर शरीफ दरगाह बहुत पॉपुलर है, हमेशा एनुअल कॉन्ग्रीगेशन किया जाता है जिसको उर्स बोलते हैं, डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं, है ना। मोस्ट वाइड स्प्रेड सूफी ऑर्डर है ये, है ना। ये पैंथेटिक मोनोइज्म मीन्स वहादत उल वजूद पे वो मानता है। पैंथेटिक मोनोइज्म का मतलब एक ही है सब कुछ, है ना। वो अलूफ ऑफ रॉयल कोर्ट, ये क्या राजे महाराजों से दूर रहते थे। इनके हिसाब से ये था कि धर्म वाले लोग, जो धार्मिक किस्म के लोग होते हैं ना, उनको ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से मतलब होना नहीं चाहिए। राजा बुलाते थे, जाते ही नहीं थे, है ना। बहुत भले आदमी थे, बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बहुत तगड़ा प्रतीक थे। इवन, है ना, ये जो उर्स का फेस्टिवल होता है ना, तो सबसे पहला दीपक जो दरगाह शरीफ पे जलाया जाता है वो एक हिंदू फैमिली जलाती है, है ना। तो वो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्सी चीज़ों से अलग थे। अच्छा, उसके बाद में इनके दो डिसाइपल थे, एक थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन के डिसाइपल थे। इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार भी बनाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की थी और ख़त्म की थी इल्तुतमिश ने, पढ़ोगे मिडाइवल के अंदर। आगे देख लेते हैं, हमीदुद्दीन नागौरी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकू के जैसे ही ख्वाजा जी के डिसाइपल थे, नागौर में रहते थे राजस्थान में, 1 बीघा जमीन लैंड पर कल्टीवेशन करते थे और गरीबों की सेवा करते थे, सूफी सेंट थे, बहुत बढ़िया। अगले इंपॉर्टेंट, फरीदुद्दीन गंजशेखर, पर्सनली मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, बाबा फरीद भी बोलते थे इनको, सूफिज्म फैलाया था पंजाब रीजन के अंदर। इनकी पोएट्री को गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर गुरु नानक देव जी, कबीरदास जी और बाबा गुलाम फरीद, इनकी पोएट्री डाली गई है। इन्होंने जो वर्नैकुलर पंजाबी लैंग्वेज है ना, उसका आविष्कार किया था, तो पंजाबी लैंग्वेज भी लिखी। और उन्होंने एक फेमस कोट दिया था, हंगर इज द रूट कॉज ऑफ ट्रबल। तो कितनी बड़ी बात बोली थी। स्वामी विवेकानंद ने भी यही बोली थी कि भाई गरीब आदमी को आप स्पिरिचुअलिटी सिखा रहे हो ना, तो सबसे बड़ी बेईमानी होगी, सबसे पहले उसे खाना दो, धर्म कर्म की बातें तो बाद में करना। बात बिल्कुल सही बोली थी, ऐसे थे ये, बिल्कुल सिंपल रहते थे। अच्छा, आपने रॉकस्टार मूवी का एक गाना सुना होगा, नादान परिंदे। तो देखो इनके थॉट्स कैसे थे, ये इन्हीं का था गाना, क्या था कि कागारे कागारे मोरी इतनी अरज तोरतों से, चुन चुन खाइयो मांस, चुन चुन खाइयो मांस, खाइयो खाइयो ना तू नैना मोरे, पिया के मिलन की आस। सूफी सेंट तो थे ना, वो गॉड को अपने माशूक की तरह देखते थे, अपने लवर की तरह देखते थे। तो चुन चुन के पूरा मांस खा जाना, मेरी आंखें छोड़ देना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब मैं उससे मिलूंगा ना, तो एटलीस्ट उसको देख पाऊँ, इतनी सी है बस ख्वाहिश, इतना सा है वादा, चाहेंगे तुम्हें सबसे ज़्यादा। तो काफ़ी काफ़ी फेमस पोइट थे, और भी काफ़ी इनकी पोइट्री हैं, पढ़ना थोड़ी सी, है ना, काफ़ी सीखने को मिलेगा। उसके अलावा निज़ामुद्दीन औलिया, इनको ये बाबा फरीद के डिसाइपल थे, उस टाइम पे इनको शुद्ध सिद्ध पुरुष बोलते थे, निज़ामुद्दीन औलिया को, फेमस थे शुद्ध पुरुष के नाम से। क्यों? क्योंकि हर योगा के जो पोस्चर होते थे ना, उनमें परफेक्ट थे, तो उस टाइम के बाबा रामदेव बोल सकते हैं इनको, है ना। और इनके मोस्ट फेमस डिसाइपल थे आमिर खुसरो, है ना, इनको महबूबे इलाही भी बोलते थे। और ये भी राजे महाराजाओं से दूर रहते थे, और ये जो रिलीजियस पॉलिसीज थी ना तुगलक डायनेस्टी से, गियासुद्दीन तुगलक, उनकी इनको पसंद नहीं थी, और इन्होंने बोला था दिल्ली दूर है, तो रास्ते में गियासुद्दीन तुगलक मर गया था, है ना, बोले कि मैं ऐसी तैसी कर दूंगा निज़ामुद्दीन साहब की, इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे। तो ये बहुत ज़्यादा एक गंगा जमनी तहजीब है ना, उसके प्रोमिनेंट वाले लोग हैं। आगे बोलते हैं, इन पर भी काफ़ी स्टोरीज हैं, पढ़ते रहा करो। शेख
नसीरुद्दीन महमूद, ये निजामुद्दीन औलिया के सक्सेसर थे और इन्होंने कोई सक्सेसर नहीं छोड़ा था अपना, चिरागे दिल्ली इनको बोलते थे। और इनकी जितने भी बिलोंगिंग थी ना, इनके साथ ही ब्यूरी कर दी गई थी, गाड़ दी गई थी। तो चिश्ती ट्रेडिशन दिल्ली में ख़त्म हुआ। आगे आते हैं, फिर शेख बहर बुरहानुद्दीन गरीब लेड द फाउंडेशन ऑफ चिश्ती कम्युनिटी इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में चिश्ती कम्युनिटी की फाउंडेशन बनाई, बीजापुर के अंदर सूफी सेंटर बनाया, सूफी मूवमेंट चलाया। आगे फिर आया था सुहरावर्दी सिलसिला। शेख शहबुद्दीन सुहरावर्दी ने बगदाद में सुहरावर्दी सिलसिले को चालू किया था। इंडिया में शेख बहदुद्दीन जकारिया ने शेख उल इस्लाम टाइटल दिया था इल्तुतमिश ने, मतलब इंडिया के अंदर इन्होंने इसको चलाया था। अब रटने वाली चीज़ें हैं, फर्स्ट खान का मुल्तान में बनाया था, पढ़ लेना आप लोग। इनका बिलीफ ये था कि सूफी लोग जो है ना प्रॉपर्टी होल्ड करें, नॉलेज करें और हल, मिस्टिकल एनलाइटनमेंट। और कुछ तरह की सूफी चिश्ती प्रैक्टिस थी ना, उनको इन्होंने छोड़ने का काम करना चालू कर दिया था। तो देखो पहले चिश्ती थे, कितना सिंपल लाइफ जीते थे, अब जैसे ही यहाँ पर मटीरियलिस्टिक टेंडेंसी आएंगी ना, बर्बाद होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही धर्म बर्बाद होता है, शुरुआत होता है बड़ा ट्रू नेचर पे और बाद में मजे, वो एक धर्म कॉमोडिटी बन जाती है। तो बन गई, फिर कादरिया सिलसिला आया, अब्दुल कादरी गिलानी, पीर दस्तगीर, शाह नमतुल्ला इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में इसको, सिंध प्रोविंस में ये पॉपुलर बना था। इन्होंने वहादुत उल वजूद को सपोर्ट किया था, मियाँ मीर हसरत मोहानी और मोहम्मद इकबाल, ये सब भी इनके प्रोमिनेंट फॉलोवर थे। दारा शिकू ने भी अपने आप को यहीं एनरोल किया था कादरिया सिलसिला में। फिर नक्शबंदी, तो ख्वाजा बहदुद्दीन नक्शबंदी ने ये लेके आए थे। शेख अहमद सरहिंदी ने अपने आप को टाइटल दिया था मुजिदुद्दीन अली सफरानी, रिफॉर्मर ऑफ द न्यू मिलेनियम। ये अकबर के टाइम पे बहुत पॉपुलर हुए थे और ये रेडिकल टाइप के थे। तो नक्शबंदी सिलसिले को औरंगजेब ने फॉलो किया था, तो औरंगजेब फॉलो करेगा तो औरंगजेब थोड़ा सा टायरेंट था, है ना, उसमें थोड़े से इनटॉलरेंस वाली चीज थी। अकबर के एटीट्यूड से ही पता लगता है कि चिश्ती सिलसिला को फॉलो करता होगा। तो देखो रिफॉर्म क्या करेंगे, ओल्ड इस्लाम फिर से ला रहे हैं ये, तो नक्शबंदी सिलसिला हो गया। इनके हिसाब से वहादुत उल वजूद नहीं है, अनल हक वाली बात सब बकवास है। फिर सत्तरिया सिलसिला, शेख सियाराजुद्दीन अब्दुल, देखो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, बाकी इसको पढ़ते जाओ। एक चीज सतरिया सिलसिला में ये है कि जो तानसेन थे ना, बघेल वंश के रॉयल वो थे म्यूजिशियन, जिनको गिफ्ट कर दिया गया था अकबर को, और अकबर के नवरत्नों में से एक थे, लेजेंडरी म्यूजिशियन, वो भी इस सतरिया सिलसिला के फॉलोवर थे। खुद से पढ़ना भी है थोड़ा सा आप, है ना, क्योंकि रटने वाली चीजें हैं। आगे इंपॉर्टेंट रूलर्स एंड देयर पेट्रोनेज, तो देखो बाबर ने नक्शबंदी सिलसिलों को पेट्रोनेज किया था, अकबर ने चिश्ती को, जहांगीर ने चिश्ती को, औरंगजेब नक्शबंदी और दारा शिकू कादरी सिलसिला। इनको देख लेना, थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट हमने समझ ही लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या, अब भक्ति मूवमेंट पे आ जाते हैं। देखो सेम चीज जो चली थी अपनी सूफिज्म में, भक्ति मूवमेंट में भी हुई थी, वो इस्लामिक ऑर्डर में रिफॉर्म ला रहे थे, ये हिंदुइज्म में रिफॉर्म लाएंगे। ये मैंने एक चार्ट डाल दिया है, इसको पढ़ लेना, कौन कौन से सूफी सेंट किस एरिया में थे और किस टाइम पे थे। तो एक बार है ना पीपीटी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें देख लेना। तो सारे सूफी सेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थे ना, तो उनके टाइमिंग सब दिए हुए हैं वहाँ पे, देख लेना किस टाइम पे और किस एरिया में थे, देख लेना। आते हैं क्वेश्चंस, ये एक टाइमलाइन है, इसको आपको पढ़ लेना है, ये एनसीईआरटी में दी हुई है। और ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने क्लियर किए हैं ना अपने, ये एनसीईआरटी और बेसिक टेक्स्ट बुक को पढ़ के ही समझ समझ के किए हैं, तो आप भी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। आगे चलते हैं, इनका देखो भक्ति मूवमेंट की जरूरत क्या पड़ी, भक्ति मूवमेंट तक आते आते, 8th सेंचुरी तक आते आते कर्मकांड फिर से स्टार्ट हो गए थे, है ना, राइट्स एंड रिचुअल्स। और दूसरी चीज क्या थी, ये अलग अलग टाइप की अद्वैतवाद, द्वैतवाद और फिर क्वालिफाइड मोनोइज्म, पता नहीं क्या क्या टाइप की फिलोसफी आ गई थी। एक नॉर्मल लेमैन को वो चीज समझ में नहीं आती थी, और एक कर्मकांड फिर से स्टार्ट हो गए, ठीक सेम जैसे सूफी मोमेंट में हुआ था। अब देखो हर इंसान की स्पिरिचुअल क्वेस्ट होती है, उसको अपनी स्पिरिचुअल क्वेस्ट को फुलफिल करना है, तो क्या करेगा वो अपनी स्पिरिचुअल क्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए उसको भी तो कोई रास्ता चाहिए ना। तो देखो ये भक्ति मूवमेंट में जो लीडर्स निकल के आए, उन्होंने बोला कि देखो आपका अपना एक ईश्वर है और सब अपने अपने ईश्वर को पूजो, आपके और आपके ईश्वर के बीच में कोई नहीं आएगा। तो इंटेंस डिवोशन और लव ऑफ गॉड इन द लीगेसी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट दैट हैज इवॉल्व्ड सिंस द 8th सेंचुरी द आइडिया ऑफ भक्ति बिकम सो पॉपुलर इवन बुद्धिस्ट जैना अडॉप्टेड दीज बिलीव्स। मतलब आपका
भगवान आप ही के पास में है, ठीक है ना, किसी की जरूरत नहीं है। तो सेम चीज बीच में जो ये मीडिएटर्स आ गए थे ना, धर्म के ठेकेदार, उनको हटाने का काम किया। भाई सीधी सी बात है, पंडे पुजारी थोड़ी ना करवाएंगे आपको गॉड का अटेनमेंट। इन द 9th सेंचुरी शंकरा स्टार्टेड हिंदू रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट और एक नए ओरिएंटेशन दिया हिंदू चीजों, मतलब हिंदुइज्म के मूवमेंट को। इसकी जो डॉक्ट्रिन थी अद्वैतवाद, वो टू एब्स्ट्रैक्ट टू अपील कॉमन मैन, एक कॉमन आदमी को समझ में नहीं आती थी। एक सीधा भला आदमी है, राम का नाम लो, है ना, उसको तुम समझाओ अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कहाँ समझ में आएगी बेचारे को। उसको तो राम का नाम लेना है और उससे उसको शांति मिलती है, वही चाहिए उसको। तो बस इन्होंने बोला छोड़ो यार, आपके और आपके भगवान के बीच में कोई नहीं आएगा। मोर ओवर देयर वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट अद्वैतवाद, निर्गुण ब्रह्म और गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स एंड सगुण ब्रह्म गॉड विद एट्रीब्यूट्स, अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट आ गए थे। तो इन्होंने क्या बोला, अपने अपने भगवान है, छोड़ो ये फालतू की बातें, छोड़ो। अब निर्गुण सगुण का कॉन्सेप्ट समझ लो यार। निर्गुण का मतलब होता है निर्गुण, गुण का मतलब होता है एटीट्यूड, एट्रीब्यूट्स। जैसे मेरे एट्रीब्यूट्स है, मेरे गुण है, मैं दिखता हूँ, मेरे कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स है, मेरे हाथ है, वो सब है। एट्रीब्यूट्स खत्म कर दो तो एट्रीब्यूट्स नहीं है। सगुण का मतलब एट्रीब्यूट्स हैं। स्पिरिचुअलिटी के केस में क्या करेंगे, देखो हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई दोनों चीजें साथ में चलती हैं, तो हो गया सगुण, सरगुण भक्ति, है ना। जैसे मूर्ति पूजा करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम क्वालिटीज को तो याद करते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, तो श्री राम की क्वालिटीज को याद किया जाता है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो एक उनका पोस्टर बनाया जाता है और उसको देख के कोशिश की जाती है। तो ये हुई सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति कौन सी, कि इन सब के बियॉन्ड, जैसे गुरु नानक देव जी हैं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंग आद सच जुगाद सच आदि सच होसी भी सच, है ना। तो वो अल्टीमेट ट्रुथ, वो निर्गुण भक्ति हो गई। सच्चाई, अच्छाई के अंदर बुराई छिपी है और बुराई के अंदर अच्छाई छिपी है, दोनों एक साथ में चलती हैं। तो सगुण निर्गुण वाला कॉन्सेप्ट ये हो गया। तो इस तरह से आप गॉड को रियलाइज कर सकते हो। तो मूर्ति पूजा भी अपने आप में सही है और निर्गुण भक्ति भी सही है। जो वो थे आपके कबीर दास जी, वो निर्गुण भक्त थे, सगुण भी बोल देते थे। जैसे अंबर में एक पेड़ बिरजता, वहां झूले निर्गुण का बच्चा, ऐसे करके उनके हैं काफी। तो ये अलग अलग थे। फिर अलवर और नयनर भक्ति सेंट्स थे। अलवर जो थे वो विष्णु को मानते थे, नयनर थे वो मानते थे शैव को। तो AVNS करके इसको याद कर लेना। अब लेक्चर अपना काफी बड़ा हो जाएगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको PPT मिल जाएगी, होल्ड कर लेना एक बार, इसको एक बार पढ़ लेना और ये देख लेना, ये दिव्य प्रबंधम है ना, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, ये पूछा जा सकता है। तेवरम कौन थे, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरीके से ये भक्ति मूवमेंट है। अच्छा, वुमेन डिवोटी कौन थी, अंदाला और अम्मी यार, इनको भी पढ़ लेना, है ना। इनको बस ये रखने वाली चीज़ें हैं, आप इनको एक बार आपको जस्ट कवर करना है। अच्छा सा टेक्स्ट आपको दे दिया है। इम्पोर्टेंट भक्ति सेंट्स, वो आपको ग्राफ दिया, वो एक चार्ट दिया था ना, उसी से देख लेना। तो शंकराचार्य थे, रामानुज थे, माधवाचार्य थे, इनको पढ़ा दिया। रामानुज जो थे वो सगुण ब्रह्म वाले थे, मीन्स द्वैतवाद वाले थे। शंकराचार्य जो थे ये अद्वैत वाले थे, मोनोइज्म वाले थे। और ये जो थे, ये सॉरी, रामानुज जो थे वो विशिष्ट अद्वैतवाद वाले थे, और माधव जो थे वो थे ड्यूअलिज्म वाले, जीवात्मा और परमात्मा, लास्ट में जाके विष्णु में सब मिलेंगे ना, तो वो वाले कॉन्सेप्ट वही सब है। इनको जस्ट आप एक बार देख लेना, कॉन्सेप्ट सेम है सारे। फिर निम्बारक वल्लभाचार्य, सूरदास जी कौन थे, वल्लभाचार्य के डिसाइपल थे। मीराबाई कौन थी, मीराबाई कृष्णा की डिवोटी थी। अब देखो सबने क्या अपने अपने भगवान ले आए, उनके ट्रेड्स बनने स्टार्ट हो गए थे। तो कृष्ण कृष्ण भक्ति भी उसी टाइम पे इवॉल्व हुई थी, है ना, अलग अलग टाइप की भक्ति। जैसे मीराबाई बोलती थी, पी ढूंढन में निकली घर से और पिया बसो मोरे मन में, तो बोले मेरे को किसी पंडे पुजारी की क्या जरूरत है ना। तुलसीदास जी थे, राम के भगत थे, तो सबने अपने अपने गॉड बना लिए थे, अपने अपने भगवान है। निम्बारक वल्लभाचार्य, इन सबको पढ़ लेना, काम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। रामानंद थे,
तो रामानंद के डिसाइपल देखो कौन कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बनारस वाले थे, ये रामानुज को फॉलो करते थे, रामानुज को फॉलो करते थे रामानंद, और इनके डिसाइपल कौन थे, कबीरदास जी, रैदास, सेन, साधना, धन्ना, नराही, पीपा, और ये कोई एक राजपूत प्रिंस था, एक सुनार, एक लोहार था, एक फार्मर था, एक बार्बर था, एक कॉबलर था, इनको रटना है आपको। कबीरदास जी, कबीरदास जी तो रिवॉल्यूशनरी, रिवॉल्यूशनरी, वो एक जुलाहे के बेटे थे, और ही इनके पंथ को बोलते थे कबीर पंथी। इनकी जो वर्सेज हैं उनको गुरु ग्रंथ साहिब में भी यूज किया गया है ना, उनको गुरु ग्रंथ साहिब में भी यूज किया गया है, और ये मतलब रिवोल्यूशनरी भक्ति सेंट थे, सूफी सेंट थे, है ना। ना कर जपूं माला जपूं, और मुख से कहूं ना राम, राम हमारा हमें जपे रे तो पायो विश्राम, बोले मेरे को आवश्यकता ही नहीं है। जैसे हमारी राबिया ऑफ बसरा बोली थी ना कि मुझे गॉड के ऐसे कोई लालसा नहीं है, तो उसी तरह से ना कर जपूं माला जपूं और मुख से कहूं ना राम, मैं इतना ही एबल हो जाऊं कि राम मेरा मेरे को जपे, है ना। तो बोले कोई ऐसे मेरे को फॉलोइंग नहीं करनी है। आगे देख लेते हैं, फिर आए गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था तलवंडी लाहौर में, ये कोटा वाला नहीं, वो कबीर के डिसाइपल थे। अच्छा, इन्होंने सिख रिलीजन की स्थापना की थी, सिख पंथ की, रिलीजन नहीं, देखो सिख वर्ड का मतलब क्या होता है, संस्कृत में सिख वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट, साधक, लर्नर, है ना, तो सिख पंथ, ठीक है। तो फिर अलग अलग, जैसे गुरु आनंद थे, इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट बनाई, पंजाबी लैंग्वेज में तो बाबा गुलाम फरीद थे, ये इन्होंने ये स्क्रिप्ट बनाई। फिर गुरु अर्जन देव जी थे, है ना। अच्छा, गुरु अर्जन देव जी को ने को जहांगीर ने उनका सर कटवा दिया था, तो धीरे धीरे क्या हुआ था, विदेशों की आक्रांता चल रही थी, है ना, बहुत ज्यादा इन्वेजन होते थे, कन्वर्जन। तो अब गुरु नानक देव जी बड़े पीस लविंग आदमी थे, इतने ज्यादा पीस लविंग आदमी थे कि एक बार पिताजी ने बोला कि जाओ जाके चिड़िया को खेत में दाना डाल, चिड़िया आएंगी खेत में तो दाना चुग लेंगी, तो तुमको पत्थर मार मार के चिड़िया को भगाना है। तो वो तो बड़े कंपैशनेट आदमी थे ना गुरु नानक देव जी, संतों में संत शिरोमणि। तो क्या करते हैं, जाते हैं पत्थर वत्थर मारना तो दूर की बात, क्या बोलते हैं, हरी जी की चिड़िया, हरी जी का खेत, खा मेरी चिड़िया भर भर पेट, पूरा खेत चुग गई चिड़िया। कहते हैं कि इतना ज्यादा कंपैशन निकला उनसे कि उस साल ज्यादा फसल हुई थी, है ना। तो सच अ कंपैशनेट पर्सन ही वो, बहुत ज्यादा कंपैशन वाले आदमी थे, लेकिन इन पर भी बेचारों पर हमले होते रहे थे। तो सिखिज्म बना धीरे धीरे, बनते बनते गुरु गोविंद सिंह जी आए थे ना, दशमेश गुरु, दसवें गुरु जो आए थे, तो आते आते उन्होंने फिर खालसा की स्थापना की, खालसा सेना बनाई जिसमें 5 कह दिए गए, ठीक है, क्योंकि समाज को प्रोटेक्ट भी तो करना है ना, क्योंकि उन पर हमले ही होते रहते थे बार बार में, रिलीजियस कन्वर्जेंस वगैरह वो सब, तो खालसा बनाई। तो खालसा की डेफिनेशन उन्होंने क्या दी थी, खालसा का मतलब क्या होता है, यूपीएससी पूछ लेती है बहुत बार, राज खालसा की डेफिनेशन होती है पूर्ण ज्योत जगे मन में तो खालिस कहलाई, मतलब प्योरिटी, खालसा का मतलब ही होता है प्योरेस्ट ऑफ प्योर, है ना। तो पूर्ण ज्योत जगे मन में तो खालिस कहलाई, और राज करेगा खालसा और आकी रहे ना कोई। जब खालसा सचमुच में देश पर राज करेगा ना, तो कोई भूखा नहीं रहेगा, सब जगह प्रॉस्पेरिटी प्रिवेल करेगी। तो राजा की डेफिनेशन उन्होंने यही दी थी। तो शेरे पंजाब जो थे महाराजा रणजीत सिंह, वो बड़े इनके फॉलोवर थे गुरु गोविंद सिंह जी के, तो बोले थे कि खालसा ही बनना है। जब खालसा सचमुच का खालसा प्योर हार्टेड अगर राजा होगा ना, बेनेवोलेंट होगा, तो कोई भूखा नहीं रहेगा, राज करेगा खालसा और आकी रहे ना कोई। तो सिखिज्म से कितना कुछ सीखने को मिलता है ना, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। आगे बढ़ाते हैं, चैतन्य प्रभु, ये बंगाल में थे, कृष्णा के डिवोटी थी, गणदेव, नामदेव, कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया था, है ना, एकनाथ, देख लेना इनको, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा वरना, क्योंकि फैक्चुअल चीजें हैं सारी, तुकाराम, फिर नाथपंथी सिद्ध और योगीज, इनको देख लेना। ऐसे करके हमारा ऑलमोस्ट पूरा भक्ति मूवमेंट वूवमेंट सब खत्म हो गया है। तो ओवरऑल अपन ने इसको कर लिया कवर, आपको एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की गई थी, आप इनको समझने की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट को पकड़ो यार, कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे जितने ज्यादा तो प्रीलिम्स की नहीं मेंस की भी तैयारी होगी, और यहाँ से आपको थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग लगी होगी एज अ फिलोसफी, ऑप्शनल में भी इसको कैसे समझा जा सकता है। तो बस ये छोटा सा एक अटेम्प्ट था आपको सिखाने का,
उसके अलावा इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कहाँ से करोगे? तो हमारी जो 50 डेज की जो सीरीज चल रही है ओनली आईएएस पे, उस पर डे 45 के लेक्चर देख लेना। उसके अंदर मैंने काफी क्वेश्चंस करवाए हैं इनके, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट के, और वो सारे। तो पढ़ो अच्छे से, है ना, लेक्चर को। ये अपनी एक अंडरस्टैंडिंग से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इसको समझना, प्रैक्टिकली एनालाइज करने की कोशिश करना, हर चीज का मीनिंग होता है ना। सिविल सर्विसेज में भी फायदा मिले आपको, विश यू ऑल द बेस्ट, है ना। सिविल सर्विसेज में भी फायदा मिले, चीजें समझ में भी आनी चाहिए, है ना, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग भी बननी चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। लेक्चर को यही वाइंड अप करते हैं। ओनली आईएएस, नथिंग एल्स, एंड आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर श्योर एनीवे एनी हाउ। सो हैप्पी टाइम, गुड लक, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।